नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है आ हम ऐसे बने बा हमसे नाम बनाओ के बारे में। आज हम इस पाठ को विस्तार से बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ आ हम ऐसे बने बा हमसे नाम बनाओ संयुक्ताक्षर शब्द और पंचमाक्षर शब्दों की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनराध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से विद्यार्थी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं और पाठ का पुनराध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षक को ये सुनिश्चित करना होता है इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर, पेन और डिब्बा है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको एक पर्ची बनाकर लाना है, पर्ची में पाठ में आए हुए शब्दों को लिख कर लाना है और उससे वाक्य निर्माण आपको यहाँ आकर करना है। उसके बाद शिक्षक दूसरे दिन ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि क्या सभी बच्चों ने पर्ची बनाकर लाए हैं कि नहीं, और शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि पर्ची के पीछे बच्चे का नाम भी लिखा होना जरूरी है। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर शिक्षक उन्हें बताते हैं कि इसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं हाँ। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की रोचकता बनी रहे। फिर शिक्षक उन्हें बॉक्स दे देते हैं और बच्चों से बॉक्स सजवाते हैं और उसमें शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि क्या आप बता सकते हैं आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? बच्चे बताते हैं कि डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल या पता नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन फिर शिक्षक उन्हें बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं। बच्चों को एक एक करके आना होता है, डिब्बे पे पर्ची निकालनी होती है और पर्ची निकालने के बाद उसमें लिखे हुए शब्दों के बारे में से वाक्य का निर्माण करना होता है जो पर्ची में शब्द लिखे हैं। फिर शिक्षक सभी बच्चों से पर्चियाँ उस डिब्बे पे डलवा लेते हैं और बोलते हैं चलिए अब एक एक करके आइए और पर्ची निकालिए और वाक्य बनाइए। माना कि एक बच्चा आता है और बॉक्स में से पर्ची निकालता है, पर्ची पे एक शब्द लिखा होता है त्रिशूल। फिर उस बच्चे को आप त्रिशूल शब्द से वाक्य बनाना होता है, तो वो बोलता है वाक्य बनाते हुए शिव जी के हाथों में त्रिशूल है होता है। उसके बाद फिर वो बच्चा चला जाता है। फिर अगला बच्चा आता है, फिर वो अगला बच्चा पर्ची निकालता है बॉक्स से और पर्ची निकालने के बाद वो पर्ची खोलता है और उससे शब्द पढ़ता है। माना कि उसमें शब्द लिखा है ज्ञान। अब बच्चे को उस ज्ञान शब्द से वाक्य बनाना है, तो वो बोलता है ज्ञानी लोग ही आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे आते जाते हैं, पर्ची निकालते जाते हैं और उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ते जाते हैं और वाक्य बनाते जाते हैं। इस तरीके से शिक्षक बच्चों से पाठ का पुनराध्ययन करवाते हुए वाक्य निर्माण करवा सकते हैं इस नवाचार के माध्यम से। ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, विद्यार्थी भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा विकसित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए समझते हैं कि टीचर या शिक्षक इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो उनको सबसे पहले तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये नवाचार का क्रियान्वयन एक निर्धारित माह में कराया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षक इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर करते हैं, मतलब 30 विद्यार्थी के बीच में एक टीचर होना अनिवार्य है। और इस गतिविधि के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई बच्चा जैसे पर्ची में कोई शब्द लिख कर लाता है और वो पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, तो वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे पर्ची में
शब्द के साथ साथ चित्र भी बनाएं, जिससे कि उन बच्चों को फ़ायदा मिल सके जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। और शिक्षक, यदि कोई बच्चा शब्दों को पढ़ते हुए उसे कठिनाई महसूस होती है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। तो ये सारी ध्यान देने वाली बातें हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। आइए अब जानते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो CWSN वाले बच्चों को जो इस नवाचार से होने वाला फ़ायदा है वो ये है कि जब विद्यार्थी पर्चियों पर पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिखता है एवं उसको कंसेप्ट से जोड़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये थे CWSN वाले विद्यार्थियों को इस नवाचार के लाभ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे ही और भी रोचक नवाचारी वीडियो आपको देखना है तो हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI Facebook चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।